So hello guys, मेरा नाम है तन्मय और मेरा YouTube चैनल है यू स्टाइल तन्मय. तो आज हम बात करने जाएंगे निविया मैन ऑयल कंट्रोल फेस वॉश वाइटनिंग इफेक्ट. तो ये जो प्रोडक्ट जो है ये आपको अच्छी रेंज में मिल जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 185 से 190 तक की रेंज में मिलेगा. और ये जो आपका प्रोडक्ट है ये मतलब अच्छा है, वाइटनिंग इस पर लिखा हुआ है. तो मतलब जब आप इसको धोकर अपने फेस को देखोगे ना तो हल्का सा वाइटनिंग इफेक्ट दिखेगा आपको, बहुत हल्का सा दिखेगा पर दिखेगा वाइटनिंग इफेक्ट. ऊपर से अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, जैसे आप कुछ भी ऑयली चीज़ खाते हो तो पिंपल्स हो जाते हैं, वो कम करता है ये. तो ऑयल कंट्रोल जो होता है ना काफ़ी हद तक करता है और अच्छा प्रोडक्ट है. और मतलब ये जब आप लगाओगे ना तो आपके फेस को ना पूरा ही क्लीन कर देगा. मतलब जैसे आप एकदम लगाते हो तो कभी कभी होता है ना कि थोड़ा थोड़ा सा ऑयल कुछ कुछ फेस वॉश छोड़ देता है, ये वो ऑयल भी नहीं छोड़ता, पूरा आपका फेस क्लियर कर देता है. तो जिनकी ऑयली स्किन नहीं है उनको तो रिकमेंड नहीं करूँगा मैं. तो जिनकी ऑयली स्किन है और उसकी वजह से पिम्पल्स होते हैं तो उसको मैं ही रिकमेंड करता हूँ. और ये यूज़ करिए आप, इसको यूज़ करोगे तो मतलब काफ़ी हद तक पिंपल्स पर आपके इफेक्ट पड़ेगा और ये आप खुद नोटिस करोगे. बाकी इसके जो डिसएडवांटेज ये हैं कि मतलब इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है, 185 थोड़ी ज़्यादा रुपए होते हैं फेस वॉश के लिए. और इसकी क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब कम सा ही है, इतना बड़ा है मतलब ज़्यादा नहीं है. तो यही थी इसकी. और एक और नेगेटिव इफेक्ट है इसके अंदर, जो केमिकल हैं एक दो को छोड़कर सारे अच्छे केमिकल्स हैं. बाकी जो थोड़े बहुत सल्फेट वगैरह है ये थोड़े से हार्मफुल है. तो बाकी ये कोई नेगेटिव इफेक्ट तो हुआ नहीं, क्योंकि हर एक फेस वॉश में आपको सल्फेट या ये सब देखने को मिलेगा ही. तो अकॉर्डिंग टू मी अच्छा फेस वॉश. सो गाइस, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया करके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि यार इससे मोटिवेशन मिलता है. और बाकी अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या गलती की है, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा. और अगर ऐसी रिव्यूज़ आपको चाहिए फेस वॉश के ऊपर, हेयर स्टाइल्स के ऊपर और वगैरह वगैरह, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, बहुत हेल्प मिलेगी. थैंक यू और बस थैंक यू.